नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रोचक कहानी और कुछ रोचक बातें बताऊंगा कि आखिर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था का केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी वृक्ष के नटखट होते हैं। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा उस समय कंस था, जो कि बहुत बड़ा अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति सहित कालकोठरी में बंद कर दिया। कंस इतना निर्दयी था कि श्री कृष्ण से पहले देवकी के सात बच्चों को भी मार दिया। जबकि देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को यह आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचाएं, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी तभी से प्रति वर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर से सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। जन्माष्टमी पर सुबह 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रास लीले का भी आयोजन होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।